ओम वंदे गौ मात्रा। मित्रों, स्वास्थ्य रक्षा से प्रभाव सबका स्वागत करती है। मित्रों, आज हम बात कर रहे हैं कि आप किसी की मीठी बातों में फंसने से कैसे बच सकते हैं, क्योंकि लोगों ने प्रश्न किया है कि मीठी मीठी बातें करके मुझे फंसा ली और अब मुझे सच्चाई पता चली, मैं क्या करूं, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। क्योंकि फंसाने वाले और फंसने वाले स्त्रियां पुरुष दोनों ही होते हैं। स्त्रियाँ भी फंसाती हैं, पुरुष भी फंसाते हैं, स्त्रियाँ भी फंसती हैं, पुरुष भी फंसते हैं। इसलिए कुछ ऐसा नहीं कह सकते कि कौन फंसा रहा है कौन फंस रहा है, पर हाँ, फंसाने वाले साफ जानते हैं कि वो फंसा रहे हैं और फंसने वालों को पता नहीं चलता कि वो फंस रहे हैं, पर फंसते चले जाते हैं। मित्रों, इसके लिए जो विषय मूल बनता है, क्योंकि कोई किसी को क्यों फंसाता है, उसका कारण क्या होता है, उसमें कुछ मुख्य कारण ऐसे होते हैं जैसे किसी से किसी को बदला लेना हो, कुछ किसी ने घर में किसी ने कुछ कर दिया हो उसका बदला लेना हो तो फंसाते हैं। इसके अलावा किसी को पैसा चाहिए होता है आर्थिक तो फंसाते हैं, या किसी को किसी से अपनी वासना पूरी करनी होती है तो फंसाते हैं। तो ये मुख्य कारण हैं जब कोई इंसान किसी को फंसाने का प्रयास करता है, फंसाता है, और सामने वाला उनकी मीठी बातों में, उनकी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसता चला जाता, उसे पता नहीं चलता। अब मित्रों, आपको बता दूं कि आप फंस रहे हैं ये आपको कैसे पता चलना चाहिए। मित्रों, हमारे आसपास जब हम कुछ काम कर रहे हैं और बिना बात के कोई व्यक्ति आपकी प्रशंसा कर रहा है, मतलब हर बात पे आपकी प्रशंसा करते हैं या करती है, पर आपको खुद को लगता है कि ये तो गलत है, पर आपके सामने वाला व्यक्ति आपकी प्रशंसा कर रहा है, तो आप समझ जाइए कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है, यानी कि आपको फंसाने की कोशिश कर रहा है या कर रही है। वैसे ही जब आप कुछ गलतियां करते हैं और सामने वाला आपकी गलतियों को भी मानता चला जाता है, चल दी जाती है, तो आप समझ लीजिए कहीं कुछ गलत है। क्योंकि यदि वो विरोध नहीं कर रहा है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खटपट या खटरा गया, कुछ दाल में कुछ काला ज़रूर है। क्योंकि यदि ऐसा नहीं होता तो हर किसी में इतनी सहन शक्ति नहीं है कि आपकी हर गलत बात को सहन करता चला जाए या कुछ ऐसा। मित्रों, एक फिल्म में आ जाती है शाहरुख खान की, चलते चलते। वैसे मैं शाहरुख खान की प्रशंसक नहीं हूँ, आपको बता दूँ, पर उसमें एक जो बात है मुझे उस कारण आप वो बात आपको बतानी पड़ रही है कि जब शाहरुख खान को रानी मुखर्जी से विवाह करना होता है तो उसकी हर बात को वो सही मानता है। अर्थात कैसे, हमने देखा है यदि आपने फिल्म देखी हो तो, वो कुत्ता को पहले एक कुछ कुत्ते का कुछ था तो बोलता है कितना गंदा कुत्ता, अगली डॉग, पर बोलते अगली इट्स वेरी क्यूट, रानी मुखर्जी कहती है इट्स वेरी क्यूट, तो बोलता है हाँ क्यूट है, और जाके बोलता है अगली डॉग कितने का, क्या है, कैसे मिलेगा, मतलब कुल मिला के उसको पसंद नहीं है, पर उसके कारण वो उसको अच्छा बता रहा है। और बाद में हमने उस फिल्म में देखा भी कि एक साल में दोनों की स्थितियाँ कैसी हो गई और दोनों डिवोर्स के कगार पर खड़े हो गए। वो बात अलग है कि फिल्म थी, इसे डिवोर्स नहीं हुआ, शायद हकीकत का जीवन होता तो हो भी जाता। तो कुछ ऐसी बातें हैं मित्रों, यदि इस तरह से कोई आपके सामने व्यवहार करता है तो समझिए वो आपको हासिल करना चाहते हैं, आपसे उसका कुछ स्वार्थ सिद्ध होना है, और ऐसी स्थिति में वो कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में यदि आपके सामने कोई कर रहा है तो आप समझिए कि वो आपको सिर्फ और सिर्फ फंसा रहा है या फंसा रही है, क्योंकि बाद में स्थितियां जो बदलेंगी उसका सामना आप नहीं कर पाएंगे और ना ही कुछ और होगा। मित्रों, इसके लिए फंसने से बचना है तो सबसे पहले अपने गुण और अपने अवगुणों को खुद को पता करिए। अपने अवगुण और गुण आपको पता होने चाहिए कि क्या आपके गुण हैं, क्या आपके अवगुण हैं। और हाँ, यदि आपको अपने गुण और अवगुण पता हैं तो कोई आपके अवगुणों की प्रशंसा करे और आप जानबूझ के कुछ गलतियाँ उसके सामने और करके देखिए, आपको पता चलेगा कि वो कोई आपके अवगुणों की प्रशंसा कर रहा है, इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ अवश्य है, और ये जो गड़बड़ है ये इतनी बड़ी है कि आप इसमें फंसने से बच नहीं सकते। मित्रों, अभी समय की शुरुआत है, अभी आप संभलना चाहें तो संभल सकते हैं, लेकिन एक समय जाने के बाद, एक समय बीतने के बाद जब आपको एक दूसरे की आदत हो जाती है, आपको उस व्यक्ति की आदत हो जाती है, उसके बाद यदि उसने किनारा किया तो आप संभल नहीं पाएंगे। और ऐसे स्वार्थी व्यक्ति आज नहीं तो कल आपसे किनारा अवश्य करेंगे। जहाँ उनकी इच्छा पूर्ति हो जाएगी, जहाँ उनकी स्वार्थ पूर्ति हो जाएगी, वो आपसे किनारा करने के विषय में सोच लेंगे और किनारा कर भी लेंगे, तब आपको मात्र और मात्र परेशानी के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए कोई आपके दुर्गुणों की, कोई आपके अवगुणों की, कोई आपके दोषों की प्रशंसा करे तो उससे सावधान रहिए, क्योंकि यदि आप उससे सावधान नहीं रहते हैं तो आपको फंसने से कोई नहीं बचा सकता। मित्रों, हाँ,
कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मीठी बातों में आपकी गलतियां बताते हैं, वो विषय अलग है कि आपके लोगों के सामने तो आपकी प्रशंसा कर दी लेकिन अकेले में आपको बताया कि अरे भाई आपने ऐसी गलती कर दी। यदि ऐसा कोई है तो आप उसको ना छोड़िए, क्योंकि ये आपका सच्चा हित ऐसी हो सकता है, हो सकती है। पर यदि सबके सामने वो आपकी प्रशंसा किए जा रहा और हमेशा आपकी अरे ये तो ऐसा ही है, अरे ये तो वैसा ही करता है या करती है, तो समझिए आप फंस रहे हैं और आप बहुत बुरी तरह से फंस रहे हैं। इसलिए इससे बाहर अपने आप को निकालिए, आप निकाल सकते हैं, क्योंकि प्रशंसा सबको भाती है, प्रशंसा सबको भाती है, पर प्रशंसा जो है वो कब चित्त को अप्रसन्न कर देती है पता नहीं चलता। इसलिए सावधान, ऐसी मीठी छुरियों से सावधान, ऐसे मीठे लोगों से सावधान, ऐसे तथाकथित फ्रेंड से सावधान, ऐसे उन शुभचिंतकों से सावधान जो आपके शुभचिंतक बनके आपके जीवन में अशुभ और अमंगल फैला देते हैं और जीवन भर आपको परेशान करके रख देते हैं। और हो सकता है कई बार ऐसी स्थितियां बन जाती हैं कि आप जीवन में उस व्यक्ति को भुला नहीं पाते, निकाल नहीं पाते और आपका जीवन बर्बाद हो जाता है। तो मित्रों संभलिए ऐसे लोगों से, आपको समझना आसान होगा। और यदि आपको कोई नया विषय मिलता है, कुछ और मिलता है, तो आप वीडियो पर टिप्पणी करिए, इंस्टाग्राम फेसबुक पे हमें बताइए, ताकि हम उन विषय पे भी आपको वीडियोस देंगे और आपकी सहायता करेंगे। मित्रों सावधान रहना हमारे हाथ में है, झूठी प्रशंसा से बचना हमारे हाथ में है, और बाकी तो जो है वो है ही। धन्यवाद। वंदे मातरम।